यदि आप कोई व्यवसाय करना शुरू करना चाहते हैं, यदि आपका ब्रांडिंग है, ब्रांड नेम बिकता है, मार्केटिंग मीन्स मार्का, मार्का मीन्स ब्रांड, ये मथुरा मधुरा नाम से अपना ब्रांड के से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, इन्होंने 4 रिटेल आउटलेट हैं जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए हैं। बायोगैस प्लांट है, इनके पास सलरी भी बनाई जाती है। और ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा 2 टन कैपेसिटी के इनके पास टैंक हैं। फिर मैं आपको एक दूसरी सक्सेस स्टोरी, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं मिलन शर्मा जी, ये सरकारी अधिकारी थी, इन्होंने अपना छोड़ करके, जॉब को छोड़ करके अपना पशु व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय शुरू किया है। आप इस साइड में देख सकते हैं कि इनके पास इंडिजीनियस गाय हैं। आज के दिन दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ पर ये अपना दूध बेचते हैं। इनके पास 5.5 एकड़ लैंड में इन्होंने, जिसमें से 1.5 एकड़ लैंड में अपना चारा उगाया हुआ है और पशु रखे हुए हैं। लगभग आपके 70 इनके पास पशु हैं, जिसमें से 25 दुधारू पशु हैं। यदि मैं आप कहूं कि यदि आपको मार्केटिंग आती है तो आप अपना दूध 100 से 110 रुपए लीटर तक बेच सकते हैं। मिलन शर्मा जी ने अपने जो कंज्यूमर हैं वो देखे, जो ज्यादा क्वालिटी के लिए पे करना चाहते हैं, तो क्वालिटी कंज्यूमर इन्होंने शहर के अंदर, अच्छी सोसाइटी के अंदर गए, सर्वे किया। सर्वे के बाद देखा कि 90 से 100 रुपए प्रति लीटर दूध इनका गुड़गांव दिल्ली में बिक रहा है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, आप शिमला के अंदर दूध की बहुत डिमांड है, सोलन के अंदर बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल होने के नाते बहुत सारे जो कॉमर्शियल वेंचर्स हैं वो भी हैं, और आपके जो दुकानें हैं वहां भी आप दूध बेच सकते हैं, उपभोक्ता को सीधा भी आप बेच सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो आप अच्छा उत्पादन करेंगे, गुणवत्ता उत्पादन करेंगे, तो आपको डायरेक्ट बेचने में ही फायदा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, प्रियंका गर्ग जी, इनका फार्म नीचे है, ये इन्होंने सीए किया है, एक अपने साथियों के साथ, 2 साथियों के साथ मिलकर के साहिवाल फार्म किया है, जिसमें 120 गाय हैं, और इनके 160 कस्टमर्स हैं जो कि फरीदाबाद और दिल्ली में स्थित हैं। इनका भी दूध 70 रुपए से 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और आज के दिन देसी गाय के घी की इतनी डिमांड है, विदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेदिक जो प्रॉपर्टीज हैं, आज माना जा रहा है कि जो देसी गाय का घी और दूध है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए काम आता है। और आने वाला समय एक ऐसा समय आएगा जब दूध में से आप ये अच्छे अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन्स और ये निकाल करके आप जो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्राश्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंपनियां दूध को लेंगी, और हमें शायद हो सकता है ऐसा भी हो कि दूध डायरेक्ट पीने के लिए भी बहुत कम मिले, क्योंकि इसकी डिमांड न्यूट्राश्यूटिकल प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी डिमांड फार्मा कंपनी में भी है। और हम सभी दूध तो पीते ही हैं, सभी कार्यों में हम दूध का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शादी की बात हो, रिलीजियस जितने भी हमारे फंक्शन हैं, बिना दूध के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि ये संपूर्ण हार है, इसको बचपन से ही, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माँ का दूध पीता है, फिर बाद में वो पशुओं का दूध पीता है, और बड़ा होने से बुढ़ापे तक और मृत्यु तक दूध हमेशा काम आता है। तो दूध एक ऐसा पदार्थ है जो संपूर्ण आहार है, और इसके पीने से हम रोगों से बच सकते हैं। इसलिए आप अपनी अपने पोषण को बढ़ाने के लिए भी दूध का उत्पादन करें, और बेचने के लिए भी दूध का उत्पादन करें, क्योंकि इसकी मांग लोकल भी है, आपकी नेशनल मार्केट में भी है। और आज के दिन ऑपरेशनल फ्लड जो शुरू हुआ 1970 में, इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बहुत आगे आई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ भी हम जुड़ सकते हैं, यदि हमारे पास ज्यादा सरप्लस दूध है तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हैं।
प्राइवेट मिल्क प्लांट बहुत आगे गति से बढ़े हैं देश में, प्राइवेट मिल्क प्लांट को भी हम अपना दूध बेच सकते हैं। ई मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है आजकल अमेज़न और वेबसाइट पे जैसे है, तो हम ई मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि हमारा ग्राहक थोड़ा 10-15 किलोमीटर के दायरे में है तो हम चाहेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपनी दूध की गुणवत्ता को बनाए रखना है, हमें दूध की पैदावार हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर करनी है। हमने ये देखा कि जो कलेक्शन सेंटर सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का सिस्टम था, इसमें यदि आपका अपना उत्पाद है, दूध उत्पादन है, फिर आप उसका प्रोसेसिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 7 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। और दूसरे यदि आप किसान से लेते हैं या वेंडर से लेते हैं तो आपका लाभ कम होगा, इसमें 2.5 रुपए तक ही सीमित रह जाता है। फिर हमने ये देखा कि उत्पाद का आंकलन किया, आय और व्यय का, उसमें पनीर से ज्यादा लाभ मिलता है, दही से ज्यादा लाभ है, घी से ज्यादा लाभ है कि सीधा डायरेक्ट दूध बेचने से ज्यादा लाभ है। हमने पाया कि प्रति इकाई जो दही बनाओ, यदि आप दही बनाओ तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन ये आपको देखना है कि दही की लागत कितनी है। यदि आप सारे दूध की दही बना देंगे और मार्केट में लागत नहीं होगी तो आपका जो ये प्रॉफिट है वो गिर जाएगा। इसलिए आप पहले, मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है कि मार्केट सर्वे करें, मार्केट में किस उत्पाद की ज्यादा मांग है, फिर उसके अनुसार ही आप अपने पदार्थ बनाए, चाहे वो दही की बात है, घी की बात है या पनीर की बात है। फिर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है आज के इस युग में। आपको इंफॉर्मेशन सही मिलना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या आपको सही मिलती है, कौन सा सोर्स सही है इंफॉर्मेशन के लिए? जैसे कि हमने कहा कि ब्रीड लेनी है, तो आपको कौन सी ब्रीड लेनी है, किस ब्रीड का कौन सा पशु लेना है, क्रॉस ब्रीड लेनी है, इंडिजीनियस लेना है, बुफेलो लेना है, फिर बुफेलो की ब्रीड कौन सी लेनी है, आपके एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड ज्यादा उचित है, वातावरण के अनुसार कौन सी ब्रीड अनुकूल है, उसके लिए आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके लिए सरकारी संस्थान है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास वेटनरी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे जो रिसर्च R&D संस्थान हैं जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और चैनल्स भी हैं आज के अंदर। ICR के द्वारा एक चैनल शुरू किया गया है, चैनल दे सकते हैं, हमारे NDRI की हेल्पलाइन है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, मार्केट के बारे में भी एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। यदि आप समय से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, मार्केट के भाव का आपको नहीं पता है, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे आप अपने व्यवसाय में प्रयोग कर सकें। बहुत सारा लिटरेचर इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन आपने एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है, आपकी एक स्किल होनी चाहिए कि आप उससे लेकर के अपने अनुसार उस इंफॉर्मेशन का कैसे, इन बातों को आपने ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे उद्यमी थे उन्होंने अपना नेटवर्क व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप से आप उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड उस व्हाट्सएप पे दे देता है और उसके अनुसार वो आपको डिलीवरी दे देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आपने आज दूध नहीं लेना है या किसी उत्पाद को ज्यादा लेना है या कम लेना है, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दूर बैठे। आज के युग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी पूरा के पूरा जो आय व्यय का विवरण है उसको आप लेखा जोखा, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग भी कहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकता है। फिर उस रिकॉर्ड कीपिंग के आधार पर ही आप अपने जो उत्पादन है उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। आप ये शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ किस चीज की कमी रही। यदि हम अपने आंकड़ों पे नहीं देखेंगे, दो प्रकार से हम ज्ञान ले सकते हैं, एक संस्थान से ज्ञान ले सकते हैं, हम अपने पड़ोसी से या किसी जो चलती हुई इकाई है उसको देख करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। एक ज्ञान वर्धन करने का और नया तरीका ये है कि आप अपना
जो उत्पादन है आप अपनी कमियों को ढूंढिए, फिर उसको कैसे दूर किया जाएगा, फिर उस पर अपना मंथन कीजिए, फिर आप उसको साइंटिफिक तरीके से सोच करके वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा कर करके ही अपना उसके ऊपर अगला एक्शन निर्धारित करें। जैसे कोई आपके प्राइसेस मार्केट में कम हो गए दाम या इनपुट प्राइसेस बढ़ गए, इस व्यवस्था इस परिस्थिति में आप कैसे निर्णय लेंगे। बहुत सारी इकाइयां हैं जो बंद हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि डिमांड है नहीं, अब क्या करें, वो लोकल ही अपने उत्पाद को बेचती थी। यदि आपको डिस्टेंट मार्केट का भी थोड़ा ज्ञान है तो आप वहां पर शहर में जाकर के इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिएगा कि एक प्रोडक्ट की कम मांग हो गई तो आप दूसरा प्रोडक्ट बना लीजिएगा। आजकल आइसक्रीम वगैरह भी बनाते हैं, उसके साथ साथ आप योगर्ट बनाते हैं और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी हैं जिनकी बहुत सारी मांग है शहरों में, उनको बना करके बेच सकते हैं। तो ये आपने समय समय पर आपको इनपुट जो लेने हैं उनके बारे में भी निर्णय लेना होगा, जो प्रोडक्ट है उनको बेचने के बारे में भी निर्णय ले होगा। तो हमें मार्केट को दो प्रकार से देखना होगा, इनपुट मार्केट और आउटपुट मार्केट। यदि हम दोनों का ज्ञान अर्जित करके उन आंकड़ों पर गौर फरमा करके फिर हम अपना निर्णय लेंगे तो वो बहुत उचित होगा और आपके व्यवसाय को बढ़ाने में लाभकारी होगा। हमने कुछ जब ये विजिट किया, सर्वे किया, तो उस दौरान पाया कि किस प्रकार का रिस्क है डेयरी फार्मिंग में। मैं ये इसलिए बताना चाहूंगा, यदि हमें पहले से कुछ रिस्क के बारे में पता हो तो हम उसके ऊपर कोई उसका अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, उसको कैसे उसका उचित प्रबंधन करना है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्शन पैदावार संबंधित है, कुछ गाय भैंसों के अंदर बीमारी आ जाती है, उनका उनको जो उचित वो नहीं मिलता है, फूड एंड फर्डर नहीं मिलता है, कई बार एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी होती है, तो इनसे भी उनकी पैदावार कम हो जाती है। यदि आपकी एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपको क्या प्रयोग करना है और उससे कैसे बचना है, पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, और यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत सारे आजकल फोगर लगे हुए हैं, फोगर का प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपका टेम्परेचर कम आ सकता है। ह्यूमिडिटी के केस में तो आपको एसी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यदि आपकी क्रॉस ब्रीड है आप एसी लगा सकते हैं तो ठीक है। और मैंने देखा है कि यदि आपके शेड की ऊंचाई ज्यादा है, छोटे शेड नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो आपको ये समस्या नहीं आती है। यदि आपका एरिया खुला है, आपका मिल्किंग यार्ड अलग है, आपका जो जर्नल वार्ड अलग है, बच्चों के लिए अलग, बछड़ों के लिए अलग से रखा हुआ है, यदि किसी में डिजीज आ जाती है तो उसका दूध अलग से निकाला जाए तो आगे डिजीज के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसलिए आपको जो हाउसिंग है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी जो डिजीज का स्प्रेड ना हो, हमारे पशुओं को आराम मिले, क्रॉस वेंटिलेशन हो। अभी दूसरी बात यह है कि इस जो मैनेजमेंट की बात आती है कि मैनेजमेंट में कई बार हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जबकि राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर हॉस्पिटल में वैक्सीन का प्रावधान है, तो हमें डॉक्टर से या जो उनके कंपाउंडर है VLD है उनसे भी टच में रहना पड़ेगा, उनसे भी देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि कब बीमारी आती है तो हम क्या करें। और यदि कोई भी स्कीम सरकार की वैक्सीनेशन की है, कुछ भ्रांतियों के कारण भी वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। हमने ऐसे पाया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवा लिया तो हमारा दूध घट जाएगा। हो सकता है कि एक दो दिन के लिए आपका दूध घट जाए, लेकिन वैक्सीनेशन कराने से आपके पशु में बीमारी नहीं आएगी और आपका पशु स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
जहां तक मार्केटिंग की बात है, यदि आपकी डिमांड घट जाती है तो आप दूध की डिमांड कम होने से आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आप उत्पाद बना सकते हैं, आप रेफ्रिजरेशन के माध्यम से उसका स्टोर कर सकते हैं ताकि आपका दूध खराब ना हो। यदि आपकी कोऑपरेटिव, कई बार ये हुआ है कि विंटर्स में दूध का उत्पादन बढ़ जाता है और हम कोऑपरेटिव को दूध लेते हैं, कोऑपरेटिव की जो प्लांट है उनकी भी जो कैपेसिटी है वो निर्धारित कैपेसिटी है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे दूध को नहीं लेती। ऐसी परिस्थिति हो तो हम क्या करें? सीधे सीधे तौर पे हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें एक चैनल पे ज्यादा निर्धारित नहीं रहना चाहिए, हमें डायरेक्ट सेल पे भी करना चाहिए, कोऑपरेटिव को भी करना चाहिए, हमें जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम मार्केटिंग रिस्क को कम कर पाए।